यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वार्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रांगण में उपस्थित सभी संतों, आचार्यों, महात्माओं एवं धर्मप्रेमी सज्जनों का मैं संपूर्ण श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और सभी गुरुजनों की आज्ञा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ जहां पर हम सभी उपस्थित हैं उसका परिचय देना चाहूंगा और उसका परिचय जानने के लिए हमें संक्षिप्त में हमारे दर्शन या सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है कि किस विचारधारा से प्रेरित होकर इस प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की गई है और उसे समझने के लिए मैं आप सबके सामने निजानंद दर्शन का संक्षिप्त परिचय रखना चाहता हूँ। त्रेता व द्वापर युग के दो तपस्वी इक्ष्वाकु वंश के मरु व शांतनु के भाई देवापी, जिनके विषय में भागवत में प्रसंग आता है कि देवापी संतनुर भ्राता मरु च इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो तावी हैत्य कलेरंते वासुदेवानु शिक्षितौ वर्णाश्रम युतम धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यतः। इन दो महापुरुषों ने अपने अपने समय में कलाप ग्राम में तपस्या करके ये इच्छा व्यक्त की थी कि 28वें कलयुग में जब परब्रह्म इस संसार में आएंगे, जिनके विषय में बृहद सदाशिव संहिता में कहा गया है कि चिदावेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मनः, परब्रह्म का आवेश अक्षर की बुद्धि के साथ में अपनी आत्माओं को जगाने के लिए इस संसार में आने वाले हैं, तो जिन दो तनों में बैठ करके वो लीला करेंगे वो दो जीव हमारे हैं और उन्हीं जीवों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में श्री देवचंद्र जी और श्री मिहिरराज जी के रूप में जन्म लिया और अपनी कठोर साधना के पश्चात लौह अग्निवत सिद्धांत की तरह ही जब ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हुए तो उस समय मिहिर राज जी वास्तव में ज्ञान के मिहिर अर्थात सूर्य बने और उन्हीं के तन से 14 ग्रंथों और 18,758 चौपाइयों से युक्त ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ जिसको हम तारतम्य वाणी अथवा तारतम्य ज्ञान कहते हैं। यह वही तारतम्य ज्ञान है जिसको आधार मान करके या जिससे प्रेरित होकर के महाराजा छत्रसाल जी, जिनके विषय में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किस तरह से औरंगजेब से युद्ध किया था, छोटे बड़े कुल 252 लड़ाइयाँ लड़ी थी और श्री प्राणनाथ जी की कृपा से उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। श्री प्राणनाथ जी ने ही जब मुगलों के अत्याचार से हिंदुओं की रक्षा के लिए पुकार किया कि राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छूटत हेरे खड़ग छत्रियों से जोर बढ़ियो तुरकान। जब उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की, राजाओं को आह्वान किया तो इसी प्रकरण में अंतिम में कहा बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तलवार, तो वो धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि भारत दो विभिन्न सत्ताओं से पराधीन रहा, एक मुस्लिम सत्ता से मुगल सत्ता से और दूसरा अंग्रेज सत्ता से। निजानंद दर्शन का दोनों में महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी रहा क्योंकि मुस्लिम सत्ता को समाप्त करने में जिन महाराजा छत्रसाल जी का योगदान रहा वह भी निजानंद दर्शन से प्रभावित थे और श्री प्राणनाथ जी की कृपा से उन्होंने यह सब किया। इसी तरह से अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध युद्ध करने में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आता है
और उनके जो गुरु थे वह थे परमहंस श्री युगलदास जी, जो निजानंद दर्शन की परमहंस परंपरा में आते हैं। और इसी परंपरा में परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी हुए, जिनकी आयु 301 वर्ष की थी और उन्होंने लंबे लंबे समाधियां लगा करके श्री प्राणनाथ जी की कृपा से इस सत्य को प्राप्त किया। उन्हीं परमहंसों की कृपा में परमहंस श्री राजनारायण दास जी, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जो कि हमारे दादा गुरु जी हैं, और इन्हीं परमहंसों की छत्रछाया में उन्हीं परमहंसों की कृपा से पूज्य स्वामी जी ने, जिन्होंने धर्मवीर जागनी रत्न श्री जगदीश चंद्र जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए श्री प्राणनाथ जी के इसी दर्शन को विश्व में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ज्ञान, शिक्षा, उच्च आदर्श, पावन चरित्र व श्री प्राणनाथ जी की वाणी अर्थात निजानंद दर्शन और उसके साथ साथ में भारतीय संस्कृति का प्रचार, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक मूल्य द्वारा मानव को महामानव बनाने की धारणा से सन 2005 में इस श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की गतिविधियों का, इसके उद्देश्य का भी परिचय देना है, तो अपने स्थापना के वर्ष से लेकर के प्रत्येक वर्ष श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में पूज्य श्री राजन स्वामी जी के निर्देशन में ज्ञानपीठ ने 100 से अधिक साहित्यों का प्रकाशन किया है, जिनमें से अधिकांश साहित्यों का लेखन स्वामी जी ने ही किया है, जिसमें वैदिक दर्शन पर आधारित सत्यांजलि, जिसमें वेद दर्शन उपनिषदों का सार नहीं थे उनके आधार पर निजानंद दर्शन का परिचय दिया गया है, ज्ञान मंजूषा जिसमें वेद के 25 कठिनतम प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्न और भागवत के 40 प्रश्नों का तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से समाधान किया गया है। इसी तरह से पुराण संहिता, विद्वत दमनी, निगमार्थ दीपिका और माहेश्वर तंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया है, ब्रह्मांड रहस्य जैसे साहित्य जिसमें भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में बताया है, इसी तरह से गीता के आधार पर गीता दर्शनम का प्रकाशन हुआ है, संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानव की एकमात्र जाति है और वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता क्या है इसे बताने के लिए वर्णाश्रम तथा जातिवाद, इन दो ग्रंथों का लेखन हुआ है। इसी प्रकार के 100 से अधिक साहित्य हैं और जिनका विश्व भर में प्रचार करने के उद्देश्य से 133 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तकनीक का प्रयोग करते हुए वर्तमान में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर ये सभी साहित्य उपलब्ध है। इसी तरह से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में आप पुस्तकालय देख सकते हैं, यहाँ की चर्चाओं को, प्रवचन को, शास्त्रीय संगीत को यहाँ पर बैठे बैठे, ज्ञानपीठ में बैठे बैठे जन जन तक पहुँचाया जाए इसके लिए स्टूडियो की स्थापना हुई है। और ये तो भौतिक उपलब्धियों की मैंने बात की, इसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि ज्ञानपीठ नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में हमारे पास जो यहीं पर अध्ययन करते हुए आचार्य तक पहुँचे हैं, आचार्य मतलब भौतिक शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो MA तक की, मास्टर तक की पढ़ाई की है, निजानंद दर्शन के आचार्य श्री चंद्र जी हैं जिन्होंने हम सबको निजानंद दर्शन की शिक्षा दी है, इसी तरह व्याकरण के आचार्य श्री विजय जी और सूर्य प्रताप जी हैं जिन्होंने महाभाष्य तक की पढ़ाई की है, वेद में शशांक जी हैं जिन्होंने आचार्य तक की पढ़ाई की है, दर्शन के आचार्य सुभाष जी हैं और मैं स्वयं, मेरा नाम अशोक है और मैं स्वयं भी दर्शन का आचार्य मैंने किया है, योग के आचार्य गणेश जी हैं और संगीत के आचार्य, संगीत में MA तक की शिक्षा प्राप्त की है गणेश श्रवण जी, रणजीत जी और अर्पण जी ने, जिनमें से रणजीत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और साहित्य में आचार्य किया है पुकार जी ने, इसी तरह से शास्त्री भी हमारे पास, हमारे विद्यार्थियों में से रहे हैं, सच्चिदानंद जी हैं, सत्यम जी हैं, तो हम सभी ने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में रह करके ही पढ़ाई की है या स्वामी जी के मार्गदर्शन में रह करके ही अध्ययन किया है।
और यहाँ से आचार्य तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अब बहुत से आचार्य कुछ ज्ञानपीठ में रहते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ जैसा कि ज्ञानपीठ का उद्देश्य मैंने पहले भी बताया आपको कि ज्ञान, शिक्षा, उच्च आदर्श, पावन चरित्र और प्राणनाथ जी की वाणी के साथ साथ में निजानंद दर्शन का, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, तो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी प्राणनाथ ज्ञानपीठ की शाखा भारत के विभिन्न प्रांतों में है, पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, सिक्किम और गुजरात में भी कई विभिन्न स्थानों में लगभग 10 के संख्या में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की शाखाएं हैं, ज्ञान केंद्र है। और पूज्य स्वामी जी का एक और उद्देश्य रहता है नारी शिक्षा, नारी का उत्थान, और नारियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में जाकर के स्त्रियां ही प्रवचन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुजरात में श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की भी स्थापना हुई है, जहां पर पिछले 5 वर्षों से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से आकर के बहनें इसी शिक्षा का, जो यहां पर भाई ले रहे हैं, जो यहां पर छात्र ले रहे हैं, गुजरात में छात्राएं भी उसी शिक्षा को ले रही हैं और सभी इस बात पर प्रतिज्ञाबद्ध है, सभी इस बात पर दृढ़ हैं कि हम सबको शिक्षा लेकर के और जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसे दीपक के समान, जैसे हमें हमारे गुरुजनों ने दीपक बनाया है, जलता दीपक बनाया है, इसी तरह से तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, इस भावना को, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए हम सभी देश के विभिन्न स्थानों में जा करके इनका प्रचार करते हैं, इनका प्रसार करते हैं। तो इसी प्रचार प्रसार के सिलसिले में इस वर्ष भी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में जो वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, इसी वार्षिक उत्सव में दिव्य अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज का आगमन हुआ था और आपके प्रवचन को यहाँ उपस्थित सभी सुंदर साथ ने, सभी अनुयायियों ने सुना, सभी उससे प्रभावित भी हुए और उसी समय पूज्य स्वामी जी में और आचार्य जी में इस बात पर ये विचार विमर्श हुआ और ये निर्णय लिया गया कि इस तरह से संत समागम हो, विद्वत गोष्ठी हो, और उसी का परिणाम यह है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी ने मुझे आप सब के सामने उपस्थित होकर के श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ और निजानंद दर्शन का परिचय देने का ये सौभाग्य दिया, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।